वेलकम टू मैथ एक्सिस। सीबीएसई क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमें पढ़ना है रेशनल नंबर के बारे में और दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में यानी पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो उसका एक बार उसको रिपीट कर लेते हैं। तो कोई भी नंबर जिसको हम पी बाई क्यू यानी कि न्यूमेटर और डिनोमेटर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या होंगे तो इंटीजर्स होंगे। पी क्यू क्या होंगे, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि कहने का मतलब कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, जहाँ पे p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसका एग्जांपल था एवरी नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर, एवरी इंटीजर्स आर द रेशनल नंबर। ठीक है, एंड 4/5 कह सकते हैं, 3/6 कह सकते हैं। ठीक है, 3/6 कहने का मतलब कि इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 आएगा, यानी कि जो 1/2 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, 4/5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये है रेशनल नंबर के एग्जांपल। तो हमें जो पहले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 में चार क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। सबसे पहले जो पहला पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स एंड दो नंबर्स के बीच में क्या होते हैं, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, यानी कहीं पे अगर आपको किसी बुक में आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, आपका तरीका सही है, तो आप अपने आंसर गलत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, उनको फाइंड करने का अपना अलग अलग तरीका होता है हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, और कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो जिस हम अगर डिफरेंट प्रोसेस से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर डिफरेंट आएगा, तो इसलिए हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारा आंसर गलत है, बस सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो पहला चीज़ तो आपको ये दिमाग में रखना है कि दो नंबर्स के बीच में क्या होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इज जीरो आर रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। यानी पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, तो अगर है तो क्या इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो तो इसका आंसर क्या होगा कि यस जीरो इज़ अ रेशनल नंबर। अब जीरो रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हम जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/-4, 0/3, 0/5। ठीक है, देखिए इसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। हमसे कंडीशन क्या बोला गया था कि q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर जीरो हो सकता है, यानी कि जीरो क्या एक रेशनल नंबर है और जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मैंने करके आपको दिखाया है। ठीक है, यहाँ पे q क्या हो सकता है, इंटीजर होगा, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें पूछा गया है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 5। फाइंड 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यानी 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को मैं आपको दो तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप जो तरीका आपको अच्छा लगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है, तो जो पहला प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं कि जब ये जो फर्स्ट मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हम डिनोमिनेटर को का यूज करके सॉल्व करते हैं, जब डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो। जैसे इस केस में 3 का डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, एंड 4 का डिनोमिनेटर भी क्या है, 1 है। ठीक है, तो इनके बीच में हमें
अगर सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हमें सिंपली क्या करना है, क्या दिया गया है, सिक्स रेशनल नंबर, तो हमें क्या कर लेना है, तो हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, माने सिक्स दिया है तो सिक्स प्लस वन एड करके क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई जितने भी दिया गया, सिक्स दिया है तो उसमें वन प्लस कर लेना है, अगर एट होगा तो उसमें वन प्लस कर लेंगे, मतलब जो भी नंबर दिया गया हो उसमें हम वन ऐड करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उस नंबर से क्या कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, थ्री अपॉन वन इंटू सेवन अप इंटू सेवन एंड फोर इंटू सेवन अपॉन वन इंटू सेवन, तो ये क्या हो जाएगा, या जब थ्री इंटू सेवन होगा तो ट्वेंटी वन अपॉन सेवन एंड ये हो जाएगा फोर सेवन जाए ट्वेंटी एट अपॉन सेवन, ठीक है। देखिए जो आपका क्वेश्चन था ये थ्री अपॉन वन एंड फोर बाई वन, ये कन्वर्ट हो गया ट्वेंटी वन अपॉन सेवन एंड ट्वेंटी एट बाई सेवन, ठीक है। और इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा, थ्री, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ जाएगा फोर, यानी कि हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में छः नंबर इंसर्ट करने हैं, सिक्स रेशनल नंबर लिखने हैं, तो क्या हो जाएंगे, ट्वेंटी टू बाई सेवन, ट्वेंटी थ्री बाई सेवन, ट्वेंटी फोर बाई सेवन, 25 बाई सेवन, 26 बाई सेवन एंड 27 बाई सेवन, ठीक है। ये जो है ये 3 और 4 के बीच में छः रेशनल नंबर है जो मैंने इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा मेथड है उसको हम अभी बता रहे हैं आपको, दूसरा तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का। सेम क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर इंसर्ट करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाई मिडिल नंबर प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें हमें फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना है, R1 फाइंड करने के लिए दोनों को, इन दोनों को ऐड करके, यानी कि a प्लस बी बाई टू, जो दो नंबर हमारे दिए गए हैं उन दोनों को हमें ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, क्या करना है, दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेना है, ठीक है। दो नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा 7 बाई 2, तो ये फर्स्ट रेशनल नंबर आ गया 3 और 4 के बीच में। और हमें सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रेशनल नंबर और फर्स्ट नंबर को ऐड करके, यानी कि मान लीजिए a को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि आर टू फाइंड करना होगा, तो हम आर वन, यानी कि आर वन क्या आया था, 7 अपॉन 2 प्लस a, यानी कि आपका था 3 बाई 2। तो सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रेशनल नंबर और a, यानी कि जो पहला टर्म था, उन दोनों को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब इनको ऐड करेंगे एलसीएम लेके 2 वन ज़ा 2, ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 6 अपॉन 2, यानी कि 13 बाई 4, तो सेकेंड रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर हमें थर्ड रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम आर वन प्लस बी, यानी कि जो सेकेंड नंबर था, आर वन प्लस बी अपॉन 2 करेंगे, थर्ड रेशनल नंबर आ जाएगा। फोर्थ फाइंड करना हो तो क्या कर लेंगे, आर वन प्लस आर थ्री बाई 2 कर लेंगे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट रेशनल नंबर प्लस सेकेंड रेशनल नंबर बाई 2। आर फाइव पता करना हो, यानी फिफ्थ रेशनल नंबर फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे, आर वन प्लस आर थ्री बाई 2 कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमें सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करना हो, यानी कि छठा रेशनल नंबर फाइंड करना हो, तो आर फोर प्लस आर फाइव बाई 2 करेंगे, ठीक है। तो जो भी नंबर्स आएंगे सब के सब क्या होंगे, और 3 और 4 के बीच के रेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है किसी भी दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने का, लेकिन एक बहुत लंबा प्रोसेस है और काफ़ी लेंदी होता है, इसलिए जो हमारा पहला मेथड था उसी को हम प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी बेहतर रहता है, ईजी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है कि फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5, यानी 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, कितने 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है। 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट मेथड था, जो पहला तरीका था, उसी का यूज करके हम इनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में सबसे पहले क्या करना था कि जो भी अगर 5 रेशनल नंबर बोला गया है तो न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर दोनों को 5+1 यानी कि 6 से क्या करना था, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब दोनों को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 6, 5 × 6 एंड 4 × 6 अपॉन 5 × 6, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 18/30 एंड 24/30। जब इनको हम कन्वर्ट किए 3/5 एंड 4/5 को, तो ये आ गया 18/30 एंड आ गया ये सेकेंड आ गया 24/30। तो हमें क्या करना है, तो इनके बीच के 6 नंबर्स को नोट कर लेना है। तो पहला हो जाएगा आपका जो फर्स्ट रेशनल नंबर होगा 19/30, सेकेंड हो जाएगा 20/30, थर्ड हो जाएगा 21/30, फोर्थ हो जाएगा 22/30, 23/30। ठीक है, तो ये 5 रेशनल नंबर हैं जो 3/5 एंड 4/5 के बीच के हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में कोई ऐसा टर्म आ जाए, जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए 2/3 एंड 5/6, हमें क्या करना है, इनके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। बाय द वे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो, सेम नहीं है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या करेंगे, सेम करेंगे। आपके एनसीईआरटी में एक ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए गए, बट अगर आप कोई साइड बुक जैसे आर एस अग्रवाल या फिर आर डी शर्मा सॉल्व करते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि दोनों के डिनोमिनेटर 3 एंड 6 दोनों क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो इनको सेम करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे जो कि आ जाएगा 6। एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया। तो हम और देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये 6 है, तो यहाँ कुछ करने की ज़रूरत हमें है नहीं। 3 को हम 6 कैसे बना सकते हैं, जब 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा 4/6 एंड ये पहले से ही है 5/6। देखिए अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो हमें अगर अब जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं सेम प्रोसेस जो यहाँ था उसी को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर्स। ठीक है, हमें अपने आंसर के लिए क्या करना है, रीज़न भी देना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। यस, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, होल नंबर 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि जो पहला हमारा क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, वो सही है। ठीक है, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा, ट्रू, फर्स्ट वाला क्या होगा, ट्रू होगा, एग्जांपल मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, सेकंड पूछा गया है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि -2 एक इंटीजर है बट ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि -2 क्या है, एक इंटीजर होता है लेकिन वो होल नंबर नहीं है, यानी कि जो ये सेकेंड स्टेटमेंट है हमारा वो क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि जो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं बट होल नंबर नहीं होते हैं। सेकेंड पूछा गया है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये भी क्या है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि अगर हम 1/2 लें तो 1/2 एक रेशनल नंबर है बट होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, होल नंबर कभी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। यानी कि ये भी क्या है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। थैंक यू।